हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी फाइनल डेट शीट जारी कर दी है, उससे संबंधित यहां पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम जानकारी लेकर आए हैं। और अनाउंसमेंट हो चुका है कि आपके एग्ज़ाम अब होंगे, तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और हिंदी मिरर ने पहले से ही आपकी प्रिपरेशन करवानी शुरू कर दी है। फर्स्ट सेम का काफ़ी कंटेंट अपलोड है, एनईपी का, एनईपी के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने बीए कर रहे हैं तो एनईपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीए वाले, फर्स्ट सेम का ऑलरेडी, और वहाँ पर आपको बाई बुक और जो पेपर हुए थे एमसीक्यू, उनकी सॉल्विंग भी अपलोड है, तो सभी स्टूडेंट्स चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सेकंड सेम की, एनईपी के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके हम सिलेबस भी अपलोड कर रहे हैं और बाई बुक भी हम तैयारी करा रहे हैं, तो उसको भी आप चेक करते रहिएगा। लेकिन वो चेक आप तब कर सकते हैं जब आप चैनल से जुड़ेंगे, एक सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन हिट करेंगे, तो फटाफट एक बेल आइकन हिट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन हिट आपके अनाउंसमेंट के लिए होता है, तभी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं, ठीक है? तो बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए होते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूला कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से कहीं ना कहीं आप किसी की केयर करते हैं। शेयर करने से ही वीडियो सभी स्टूडेंट तक पहुंचती है और आपके जैसी जानकारी औरों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए बात करते हैं ग्रीष्मकालीन परीक्षा जून जुलाई स्थाई, यानी कि फाइनल, कोई भी चेंजिंग नहीं होंगे। जो थोड़ा बहुत चेंज होगा उसकी सूचना यूनिवर्सिटी अपडेट कर देती है, तो वो हिंदी मिरर के माध्यम से वो आप तक पहुँच जाएगी। तो अभी हमने फ़िलहाल फाइनल डेट शीट अब जो है वीडियो बनाई थी, अब हम बात कर रहे हैं एनईपी डेट शीट जुलाई अगस्त की। इसके बाद हम डेट शीट मास्टर की अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर हम आपके डेट शीट डिप्लोमा वालों की अपलोड करेंगे, इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर जो है वह भी आपको बताएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप तक वीडियो पहुँचेंगी, तो फटाफट लाइक शेयर करके साथ जुड़ जाइए। अब एनईपी की डेट शीट जो जुलाई में आई है, तो उसका हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ओपन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का जो आपकी फाइनल डेट शीट है। यहाँ पर पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं। ऊपर देख लीजिए, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी एग्जामिनेशन फाइनल डेट शीट। तो फाइनल का मतलब आप समझ रहे हैं, जो पहले वाली डेट शीट थी उसको आप ना देखें। अब ये वाली जो डेट शीट आई है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने पेपर नोट डाउन करने हैं। जो जो सब्जेक्ट आपके पास है उस सब्जेक्ट को आप उठाएंगे और वह डेट उठाएंगे और अपनी डेट शीट अलग से नोट डाउन अपनी नोटबुक पे कर लेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बस इसमें से ही देखते रहेंगे, आपको अलग से अपनी डेट शीट देखनी पड़ेगी। अब कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर देते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि मैडम फर्स्ट सेम की है या सेकेंड सेम की है, थर्ड सेम की है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा अजीब लगते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें साथ के साथ क्लियर करते हुए चलती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ अगर छूट जाता है और आपका कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चंस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप जो हैं व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, मैंने नंबर दे रखा है 8171796251। जो भी आपका कन्फ्यूज है वह दूर किया जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं बैचलर एनईपी सेमेस्टर प्रोग्राम मेन बैक इम्प्रूवमेंट सारे होने हैं एक साथ। अगर जो सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने फर्स्ट सेम में अपना इम्प्रूवमेंट डाला है या फिर बैक का डाला है, तो उनके एग्ज़ाम भी यहाँ पर साथ के साथ होते हैं। ये वाली यूनिवर्सिटी जो करवाती है साथ के साथ एग्ज़ाम कराती है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के जो है थर्ड सेम के साथ होंगे। इवन और ओड का सिस्टम यहाँ पर नहीं है, यहाँ साथ के साथ आपको चांस दे दिया जाता है, ठीक है? तो चलिए बता देते हैं, इधर जो पेपर होना है वह होना है सेकंड सेम का। ध्यान रखिएगा, नीचे तक जितनी भी डेट शीट है, ये जितनी भी डेट शीट है, तो आपको जो सेकंड सेम वाले हैं नीचे तक, यहाँ तक की ये वाली नोट डाउन करते हुए जाएंगे अपनी उस पर नोटबुक पर, ठीक है? जो सब्जेक्ट है उसको उठाते जाएंगे, जैसे कि आपका सब्जेक्ट है BA PA, तो इसका पेपर कब होना है? इसका पेपर होना है 22 जुलाई को। ऐसे ही BA PA जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर भी इसी डेट में होना है। अब एक स्टूडेंट्स का जो है मैसेज आया था कि मैम जो फर्स्ट सेम के पेपर हैं, जो सेकंड सेम के पेपर हैं, तो फर्स्ट सेम के हम कैसे देंगे उसके साथ अगर हमारी बैक है या हमने इम्प्रूवमेंट डाला है? तो बहुत सीधा सा इसका जवाब है कि आपका जो पेपर होना है वह होना है 3 से 5, और ये जो आपका फर्स्ट सेम सेकंड सेम का पेपर होना है
ये होना है आपका 12 से 2। तो पहले आप सेकंड सेम का पेपर दीजिए, फिर उसके बाद आप अपने फर्स्ट सेम का पेपर दीजिए, अगर आपने बैक का डाला है या फिर इम्प्रूवमेंट का डाला है। क्लियर हो चुका है? इसके बाद भी अगर आपका कुछ क्वेरीज है या क्वेश्चन है तो उसको आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ जितना मैं स्क्रॉल करती जाऊँगी, सेकंड सेम वाले इधर से और फर्स्ट सेम वाले इधर से अपना नोट डाउन करते हुए जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर, 28 से 4 के बीच आपका कोई भी पेपर नहीं होगा, उसके बाद फिर लगातार आपके पेपर हैं, कोई भी छुट्टी बीच में नहीं है। तो मेरा मानना है कि अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और यहाँ बीच का जो टाइम मिलता है इसमें भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। सभी सब्जेक्ट के आपको मैं सिलेबस भी दे रही हूँ, फर्स्ट सेम का ऑलरेडी अपलोड है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेम वाले वो अपना जो है कंटेंट देख सकते हैं। जो सेकंड सेम वाले हैं उनका कंटेंट मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ, आपको सिलेबस भी दे रही हूँ और आपकी बाई बुक भी तैयारी करा रही हूँ। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट सेम के प्रीवियस पेपर भी हम अपलोड कर रहे हैं, 2 पेपर हम अपलोड कर चुके हैं फर्स्ट सेम के, वो भी आप चेक कर लीजिएगा कि पेपर का पैटर्न किस तरह का आता है। अब यहाँ पर ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट और सेकंड सेम फर्स्ट सेम दोनों अलग अलग अपनी डेट शीट नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर VAC पेपर की। काफ़ी स्टूडेंट्स के जब मैसेज आ रहे थे कि मैडम VAC 13 नहीं है, ये वाला पेपर भी नहीं है, तो अब आपके जो है ये अपडेट होकर आ चुकी है, इसमें सारे पेपर आपके ऐड ऑन हैं, तो अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर VAC 13 आपने लिया है तो ये 31 तारीख को है, VAC 09 अगर आपने लिया है इसका पेपर भी 31 को है। ठीक है, तो ये जो है सेकंड सेम के लिए है और ये फर्स्ट सेम के लिए है। और अब बात करते हैं हम यहाँ पर VAC 02, VAC 01, 14, 3, 6, 7। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका अब काफ़ी स्टूडेंट्स का सवाल ये उठेगा कि मैडम हमने VAC 08 लिया है लेकिन ये फर्स्ट सेम में जा रहा है और ये सेकंड सेम में जा रहा है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। आपका VAC जब दिया है तभी उस डेट में जौन सा आपने लिया है आप उसी में ही जा सकते हैं, उसी शिफ्ट में आप पेपर देने जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके एडमिट कार्ड पर VAC 08 है और आप सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट सेम में ये जा रहा है तो आप इसी डेट में जाइए और इसी शिफ्ट में जाइए। ठीक है, शिफ्ट अलग अलग यहाँ पर हो चुकी हैं, 08 इधर दे दिया इन्होंने और मुझे लगता है इस बार जो स्टूडेंट्स का जो सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं पेपर इधर हैं लेकिन पेपर जा रहा है आपका इधर, तो आप VAC यहीं इसी शिफ्ट में देने जा सकते हैं। ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो चुका और बाकी ये पेपर बहुत लेट होने वाला है, तो आपका जहाँ भी सेंटर है एक बार आप ज़रूर वहाँ पर कन्फर्म कर लीजिएगा कि आपका पेपर कौन सी डेट मतलब कौन सी शिफ्ट में जाएगा, क्योंकि सेकंड सेम के यहाँ पर है और इस बार सेकंड सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास 08 है मोस्टली स्टूडेंट्स के पास और ये पेपर जा रहा है फर्स्ट सेम वालों के साथ, तो आप एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। अब ये चीज़ तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जितने भी यहाँ पर पेपर दिए गए हैं इन सब के पेपर जो है ना OMR शीट पर होने हैं और इसमें से 2 पेपर हम सॉल्व करके डाल चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका ये वाला पेपर है OMR शीट का VAC 09, ये हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये लास्ट टाइम हो चुका था। और यहाँ पर जो आपका पेपर है CECCS, ये भी हम डाल चुके हैं 01। 02 अब इसकी तैयारी शुरू करा देंगे, 01 पिछले साल हुआ था, 02 इस बार होगा, इसका हम सिलेबस अपलोड कर चुके हैं। तो जितने भी पेपर हैं ये MCQ बेस होते हैं और सभी में 100 तक क्वेश्चंस आते हैं। CECS में शायद 35 आते हैं, एक बार आप फर्स्ट सेम वाले स्टूडेंट्स चेक कर लीजिएगा किस तरह का पेपर आता है, सेकंड सेम के स्टूडेंट्स को पता है। तो बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हिंदी मेरा का हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।